हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं टी टाइम स्नैक। बनाना भज्जी या अर्टिकाई भज्जी, ये कच्चे केले के भजिया है और ये साउथ का बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ मैंने दो कच्चे केले लिए हैं, इनको मैंने धो के साइड में रख दिया है। अब ये है बेसन, ये एक कटोरी है और ये 1/4 कप चावल का आटा है। ये हींग है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन और ये बेकिंग सोडा, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है और तेल तलने के लिए है। अब उसके बाद मैं केले की छिलका उतारूँगी। केले का छिलका मतलब हम लोग को कम्प्लीटली छिलका नहीं उतारना है, बस ऊपर से एक पतला सा जो लेयर होता है उसी को हम लोग निकालेंगे। उसको निकाल के इसके हम लोग छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हो या फिर क्यूब शेप में भी कट कर सकते हो। जिस शेप में चाहिए उस शेप में कटिंग कर लेना, बट ये ध्यान में रखना है कि हमको इसको पतला नहीं करना है। मैंने कुछ लंबे कट कर दिए और कुछ इस शेप में कटिंग कर दिए। अब मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि मेरे केले काले ना पड़े। अब मैं इसको मिक्स करके साइड में कर दे रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी भजी के लिए बैटर। उसके लिए मैंने पहले लिया है बेसन, फिर उसमें मैंने डाला है चावल का आटा। चावल का आटा डालने से भजे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। अब मैं अजवाइन को क्रश करके डाल रही हूँ। अजवाइन डालने से अगर हम लोग ऑयली फूड खाते हैं तो उससे हमारे गले में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैंने डाला है हल्दी। हल्दी डाल के मैं मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हींग डाला है। हींग डालने से डाइजेशन अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना। अब पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं देख रही हूँ। उसके बाद मैंने उसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा बैटर परफेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए एक ट्रिक है। ये बैटर में आप अपना फिंगर डिप करके देखना। फिंगर डिप करने के बाद जितना बैटर आपके फिंगर में लगेगा उतना ही बैटर आपकी जो भजिया बनाने का केला है उसमें लगेगा, चाहे वो केले का भजिया हो या बनाने का भजिया। ये ट्रिक परफेक्ट है। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डाल के मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखा है और अब मैं इसमें तेल गर्म करने रख रही हूँ। जैसे मेरा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं बनाना को बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई करने डाल रही हूँ। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए यहाँ पे आप गैस का फ्लेम मीडियम रखना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। अब मैंने इनको डाला है, डाल के मैं इसको टर्न करूँगी। टर्न करके देखूँगी मेरे भजिए बन गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इनको निकालूँगी। निकाल के मैं एक बार और भजिए डालूँगी। ये जो भजिए हैं इसके साथ आप हरी चटनी सर्व करना। हरी चटनी और केले के भजिए का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। ये बन गए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। अब मैं एक बार और भजिए डाल रही हूँ। ये जो केले के भजिए हैं ये साउथ का काफ़ी फेमस डिश है। ये वहाँ के रेस्टोरेंट में एज अ स्टार्टर भी सर्व किया जाता है और वहाँ का तो ये फेमस स्ट्रीट फूड है ही। आप भी ये स्ट्रीट फूड बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है। बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा है। ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट में विद प्रिपरेशन आपके भजिए बन के रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा इजी और झटपट स्नैक आप बना के देखिए और आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। अब मेरे भजिए बन गए हैं, मैं इनको हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।